ओप्पो F70 Pro, आप लोगों ने सारे स्पेसिफिकेशन सारी अनबॉक्सिंग वीडियो देख ली होंगी अब तक, ऐसी मुझे उम्मीद है, और आपने उसमें भर भर के तारीफ सुनी होगी द सिलिकेश डिज़ाइन। कुछ लोगों ने तो अपना टाइटल तक रख रखा है द सिलिकेश डिज़ाइन। भाई इस फ़ोन की प्राइस देखोगे ना यार, मतलब कि प्राइस के हिसाब से स्पेसिफिकेशन देखोगे तो आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है यहाँ पर। जी हाँ, मैं एग्जैक्टली अगर बात करता हूँ प्राइस की तो 22,990 रुपये का एग्जैक्ट प्राइस है इसके 8+128 वाले वेरिएंट का। एक ही वेरिएंट लॉन्च हुआ है इसका, कोई ज़्यादा वेरिएंट लॉन्च हुआ नहीं है, और ये अभी आपको मिलने वाला है कुछ ही दिनों में, भी प्री ऑर्डर्स इसके हो रहे हैं फ्लिपकार्ट पर। तो मैंने सोचा कि ये वीडियो मैं आपको बना करके दे दूँ ताकि आपको पता लग जाए कि ओप्पो F70 Pro किस लेवल का फ़ोन है और इसमें आपको क्या चीज़ें देखने के लिए मिल जाती हैं और क्या इस प्राइस में जस्टिफाइड है या फिर नहीं है, या फिर आपको पोपट बनाया जा रहा है। तो गाइस, अगर कोई भी दोस्त आपका, कोई भी सगा संबंधी अगर इस फ़ोन को लेने की सोच रहा है, देन ये वीडियो उसको ज़रूर शेयर कीजिएगा, बाकी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। डिज़ाइन काफ़ी ठीक ठाक यहाँ पर आपको मिला हुआ है, काफ़ी ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन है और आपको काफ़ी प्रीमियम सी डिवाइस लगेगी बैक साइड में देखने से। जैसे कि एप्पल के फ़ोन्स में होते हैं आपको पीछे कैमरा दिए हुए, उसी टाइप से आपको यहाँ पर क्वाड कैमरे का सेटअप दिया हुआ है, और ये कोई बड़ा अच्छा कैमरा नहीं है, सिर्फ 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है और आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड है, और बाकी दो और दो वही ज़बरदस्ती वाले सेंसर चिपका के आपको भेजे गए हैं, जिनका कोई भी रोल नहीं होता है स्मार्टफोन के हमारे डेली यूजेस में। फ्रंट साइड से बात करें तो आपको डुअल पंच होल कैमरा मिलता है, जो कि काफ़ी ठीक लगता है देखने में। हालांकि ये डिज़ाइन बहुत पहले आ चुका है कई सारे फ़ोन्स में, पोको X2 में इसको आप देख सकते हैं, रियलमी के 6 Pro में भी इसको आप देख चुके हैं, वहाँ आपको 16 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलती है और साथ में एक 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर पता नहीं क्यों लगाया है, ज़बरदस्ती दी गई है, फिर सिर्फ डुअल पंच होल वाला डिज़ाइन ही चाहिए था वो दे दिया गया है। बाकी अगर मिडिल में पंच होल होता तो आपको काफ़ी अच्छा लग सकता था इसका डिज़ाइन, बट इतना डिज़ाइन मुझे इतना पर्सनली पसंद नहीं आया फ्रंट साइड से, क्योंकि इस साइड में आपको मिडिल में पंच होल वो भी सुपर एमोलेड में देखने के लिए मिल जाता है सैमसंग के गैलेक्सी A51 के अंदर, और वहाँ पर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट भी मिलता है। यहाँ पर भी आपको 6.4 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले दी गई है और यहाँ पर भी आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। डिस्प्ले क्वालिटी काफ़ी ठीक है, काफ़ी अच्छी बात है, बट जो मेन चीज़ मुझे बुरी लगी वो है इसका कैमरा डिपार्टमेंट और सेल्फी डिपार्टमेंट प्राइस के हिसाब से। एटलीस्ट 32 मेगापिक्सल की सेल्फी आप एक्सपेक्ट करते हैं इस प्राइस रेंज में, और एटलीस्ट 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर आप एक्सपेक्ट करते हैं इस प्राइस रेंज में। टेलीफोटो वगैरह भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस प्राइस रेंज में, चलो उसकी बात हम नहीं करते हैं फिलहाल, 64 और 32 की ही हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, तो वो यहाँ पर नहीं मिला है। 23,000 रुपये आपको यहाँ पूरे पूरे खर्च करने पड़ रहे हैं। उसके बाद आपको सिक्योरिटी का कोई भरोसा नहीं है कि भाई आपके डाटा सिक्योर है या फिर नहीं है, चाइनीज़ ये ब्रांड है और इस समय इंडिया चाइना के रिलेशन भी ख़राब चल रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि इस समय के हिसाब से इस फ़ोन को इतने प्राइस में लॉन्च करना मुझे तो कहीं भी समझदारी वाली बात लगी नहीं। बाकी डिज़ाइन वगैरह के ऊपर सिर्फ कोई बंदा फ़ोन नहीं लेने वाला है, ये बात तो ओप्पो को भी समझनी पड़ेगी, और इसीलिए इनके जो मार्केट के शेयर्स हैं वो ऊपर नहीं बढ़ रहे हैं, इतने हाई टू हाई प्राइस ये लॉन्च करते हैं और फ़ोन में कुछ भी इनके होता नहीं है। प्रोसेसर के नाम पे आपको छोटा मोटा पुराना कोई चिपसेट डॉक्टर दे देते हैं, जो बिल्कुल भी लगभग ऐसा लगता है कि शायद फ्री में ही मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपको हीलियो का P95 देखने के लिए मिला है, जो कि परफॉर्मेंस इतनी खास नहीं है, 2 लाख के आसपास इसके अंतत स्कोर आते हैं, और मतलब कि अगर मैं कहूँ तो आपको G70 जैसी परफॉर्मेंस इसमें देखने के लिए मिल जाएगी, G70, G80, G85 जैसी परफॉर्मेंस आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी, कुछ इस टाइप की परफॉर्मेंस आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलती है, क्योंकि G85 का स्कोर भी 2,10,000 के आसपास जाता है, क्योंकि Redmi Note 9 Pro में है और आपको 12,000 रुपये के अंदर देखने के लिए मिल रहा है, हालांकि वो भी एक चाइनीज डिवाइस है। तो अगर आपको सिर्फ वही सारे स्पेसिफिकेशन लेने हैं, सब कुछ सेम टू सेम लेना है, तो यार आपको क्या ओप्पो इतनी ब्रांड वैल्यू रखता है कि उसकी प्राइस इतनी ज़्यादा हाइक की जाएगी? मुझे तो ऐसा पर्सनली लगता नहीं है। कोर्टेक्स A75 के कोर्स यूज़ हुई हैं, सैमसंग इसी प्राइस में अपना सैमसंग गैलेक्सी M51 लेकर के आ रहा है, और ऑलरेडी उसका सैमसंग गैलेक्सी A51 मार्केट में है, जहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा डिज़ाइन, बिल्कुल पंच होल डिज़ाइन देखने के लिए मिलता है, बैक साइड में कैमरा भी काफ़ी अच्छा मिलता है, फ्रंट साइड में भी कैमरा इससे अच्छा मिलता है देखने के लिए, डिज़ाइन भी काफ़ी बेटर है, डिस्प्ले क्वालिटी आप सब जानते ही हैं, और परफॉर्मेंस भी इसके आसपास ही है, इससे मतलब कि बुरी नहीं है और ना ही इससे ज़्यादा अच्छी है, इसके आसपास ही उसकी प्राइस रेंज रहने वाली है। तो सैमसंग गैलेक्सी A51 क्यों नहीं बाय करेगा बंदा? मेरे ख्याल से किसी भी बंदे को अगर 23,000 रुपये खर्च करने हैं तो उसको सैमसंग गैलेक्सी A51 की तरफ जाना चाहिए, जहाँ पर आपको एक नॉन चाइनीज ब्रांड भी मिलेगा, सैमसंग का भरोसा भी मिलेगा, और वहाँ पर आपको नॉक सिक्योरिटी मिलेगी, और Alt Z Life वाला जो ऑप्शन है सैमसंग की तरफ से लॉन्च किया गया है आपके प्राइवेसीज को बढ़ाने के लिए, तेन वो भी वहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो मेरे ख्याल से यार 23,000 रुपये में सैमसंग गैलेक्सी A51 एक बेस्ट ऑप्शन है इसके कंपैरिजन में, क्योंकि ये मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लगा है।
यहाँ पर भी आपको बुझा ऐसा नहीं कि 65 वाट की चार्जिंग दे दी हो रियलमी 7 प्रो की तरह, यहाँ पर आपको केवल 30 वाट की चार्जिंग दी है और केवल 4000 mAh की बैटरी दी हुई है जो 53 मिनट में आपका फ़ोन को फुल चार्ज कर देगी। 4000 mAh की बैटरी इस प्राइस में अभी सैमसंग गैलेक्सी M51 7000 पर जंप कर रहा है और ये अभी तक 4000 पे अटके पड़े हैं। तो क्या हो रहा है ये इस समय स्मार्टफोन की मार्केट में समझ में नहीं आ रहा है। मतलब एक तरफ जहाँ सैमसंग जैसी जो हम मानते हैं कि काफ़ी ब्रांड वैल्यू है उसकी, अच्छे फ़ोन बनाती है, महंगे फ़ोन बनाती है, वो आपको मतलब कि कम प्राइस में ज़्यादा चीज़ देने की कोशिश कर रहा है, दूसरी तरफ ओप्पो आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और आपको ज़्यादा प्राइस लेकर के कुछ भी प्रोवाइड करना नहीं चाह रहा है। तो मेरे ख्याल से ये बिल्कुल वेस्ट ऑफ मनी है अगर आप इस फ़ोन को बाय करते हैं। इसकी जगह आप सैमसंग गैलेक्सी A51 को बाय कीजिए।